हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बाइक व्हील में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो है जो कि होने वाली है बजाज की न्यू लॉन्चिंग 2023 की P150 के ऊपर। पहला जो वेरिएंट है गाइस वो है आपका ट्विन डिस्क वेरिएंट जो कि ब्लू कलर में प्रेजेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो दूसरा वेरिएंट है वो है आपका सिंगल डिस्क जो कि रेड कलर में प्रेजेंट है। तो ये दोनों बाइक्स की आज आपको एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो इस वीडियो में मिलने वाली है और आपको इस वीडियो में ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी बाइक आप सबके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में दोस्तों। तो यहाँ पर सिंगल डिस्क और ट्विन डिस्क में आपको लगभग 4 to 5 thousand का डिफरेंस देखने के लिए मिलने वाला है। ट्विन डिस्क का एक्चुअल प्राइस स्टार्ट होता है 1,20,200 के आसपास और सिंगल डिस्क का 1,17,200 के आसपास। वहीं बात कर ले ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में गाइस, तो ऑन रोड प्राइस सिटी टू सिटी वेरी करती है। हमारे सिटी में ऑन रोड प्राइस जो है ट्विन डिस्क का 1,44,100 के आसपास और सिंगल डिस्क का 1,40,700 के आसपास। आपकी सिटी में जो भी इनका ऑन रोड प्राइस जो रहेगा मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। वहीं बात करें लुक्स डिज़ाइंस हर एक चीज़ के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट के बारे में। तो फ्रंट का ऑल ओवर जो लुक है डिज़ाइन है एकदम सेम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल ओवर जो फ्रंट का हेड लुक है दोनों में ही आपको सेम देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर आपको ऊपर की ओर आपके नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट मिल जाता है और नीचे की ओर आपको बाई फंक्शनल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप विद DRS देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर ग्राफिक्स का आपको हल्का फुल्का चेंज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको रेड का ग्राफिक्स मिल जाएगा और इसमें आपको ब्लू का ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएगा। एज सच और कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी इंडिकेटर्स भी एकदम सेम मिलते हैं, फ्लेक्सिबल वाले इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जो कि आपने सबसे पहले N160 में देखा होगा। सेम इंडिकेटर्स आपको कंपनी P150 में भी प्रोवाइड कर देती है। बाकी ऑल ओवर यहाँ पर आपको 31mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं दोनों ही बाइक्स में देखने के लिए। मडगार्ड की क्वालिटी आपको फाइबर में देखने के लिए मिलती है, स्प्लिट मडगार्ड आपको देखने के लिए मिलने वाला है P150 में। बाकी दोनों के टायर सेक्शंस अलग से मिलते हैं देखने के लिए। जो आपका ट्विन डिस्क है गाइस उसमें आपको जो टायर सेक्शन मिलता है वो मिलता है 90x90 17 inches के अलॉयज मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। डुअल पिस्टन कैलिबर्स में बाइक ये प्रेजेंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ABS आपको दोनों ही बाइक्स में सिंगल चैनल ABS का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर आपको अनब्रांडेड कैलिबर्स मिल जाते हैं। बाकी दोनों में ही आपको डुअल पिस्टन कैलिबर्स मिल जाते हैं बट टायर सेक्शन का डिफरेंट है। यहाँ पर आपको जो सिंगल डिस्क में टायर सेक्शन मिलता है वो मिल जाता है आपको 80x117 inches के अलॉय। बाकी ABS आपको दोनों ही जगह लिखा हुआ मिल जाएगा देखने के लिए और रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे दोनों बाइक्स में। बाकी आप देख सकते हो न्यूली टाइप का आपका जो अलॉय है ये आपका मेटालिक में आपको देखने के लिए मिलता है ग्रे कलर में, जिसमें आपको बॉडी ग्राफिक्स देखने के लिए मिलता है। वहीं बात कर ले दोनों के रेयर सेक्शंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो है ग्रैबरिल, यहाँ पर आपको कंप्लीट ग्रैबरिल मिल जाता है और ट्विन डिस्क में आपको स्प्लिट ग्रैबरिल विद स्प्लिट सीट, यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिलता है। बाकी नीचे की ओर आओगे तो यहाँ पर आपको एकदम सेम N160 वाला टेल लैम्प देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको ग्लिटर पैटर्न्स मिल जाते हैं देखने के लिए यूनिक स्टाइल में। बाकी इंडिकेटर्स सेम है आपके बल में है, नंबर प्लेट लगाने का प्लेसमेंट, रिफ्लेक्टर्स और दोनों ही बाइक्स में आपको सारी गार्ड मिल जाता है देखने के लिए। बाकी बात कर ले दोनों के टायर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको रियर टायर सेक्शन अलग अलग देखने के लिए मिलता है। सिंगल डिस्क में आपको मिल जाता है 100x90 17 inches के अलॉयज है और 130mm का ड्रम है। वहीं बात करें ट्विन डिस्क के बारे में, तो उसका टायर सेक्शन मिल जाता है 110x80 17 inches के अलॉयज और यहाँ पर आपको जो डिस्क साइज मिलता है वो मिलता है 230mm का और सिंगल पिस्टन कैलिबर्स में प्रेजेंट है। बाकी दोनों ही बाइक्स में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है जो कि अभी न्यूली है P150 में। पहले वाले जो करंट इसके आते थे पल्सर 150 उसमें आपको मोनोशॉक देखने के लिए नहीं मिलता था। ऑल अबाउट ज़्यादा कुछ चेंजेस तो आपको नहीं मिलने वाला है डिज़ाइन में, डिज़ाइन एकदम सेम है दोनों बाइक्स का। हल्का फुल्का रियर में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी स्प्लिट सीट है तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लिट सीट, कम्फर्ट और जो चौड़ाई है सीट की अच्छी मिल जाती है दोनों ही बाइक्स में। यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक्स का जो सीट हाइट मिलता है एकदम सेम मिलता है, 790mm का मिल जाता है। कुशनिंग कंफर्ट अच्छा देखने के लिए मिलता है। बाकी P150 की ब्रांडिंग मिल जाती है वाइट कलर में, यहाँ पर मैट ब्लू और ग्लॉसी रेड का यहाँ पर आपको फिनिश मिल जाएगा देखने के लिए। और ऑल ओवर यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर वाला भी फिनिश देखने के लिए मिलेगा इसका मिड सेक्शन में। बाकी दोनों ही बाइक्स में कंपनी आपको किक प्रोवाइड कर देती है ट्विन डिस्क और सिंगल डिस्क में। और टैंक आप देख सकते हो दोनों का टैंक भी एकदम सेम है, टैंक कैपेसिटी 14 लीटर्स की है। और यहाँ पर ऑल ओवर जो लुक है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर है N160 जैसे, उसी की तरह आपको टैंक देखने के लिए मिलता है। बाकी पल्सर की ब्रांडिंग 3D लोगो में मिल जाती है और यहाँ पर आपको न्यूली USB पोर्ट भी देखने के लिए मिलता है दोनों ही वेरियंट्स में। बाकी यहाँ पर आप इसका ऑल ओवर लुक देख सकते हो, यहाँ पर आपको N160 जैसा नहीं थोड़ा सा अलग आपको देखने के लिए मिलेगा बट कलर कॉम्बो है वो एकदम सेम देखने के लिए मिलता है। मतलब एज इट इज़ अगर ये कलर के बारे में बात करें तो हमने सबसे पहले N160 में ही ऐसा कलर देखा था। बाकी यहाँ पर आपको एक लेग गार्ड मिल जाता है देखने के लिए
और सिंगल डिस्क में भी आपको ले कार्ड मिल जाता है। बाकी दोनों का इंजन भी एकदम सेम है। यहाँ पर कंपनी आपको DTSI इंजन नहीं प्रोवाइड करती है दोस्तों, ये आपका FI इंजन है जो कि BS6 फ्यूल इंजेक्शन में प्रेजेंट है। एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर है, मैक्सिमम PS 14.5 PS है, टॉर्क है 13.5 Nm जो कि आपको 6000 RPM मिलता है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 149.68 cc का। बाकी दोनों में कैटालिटिक कन्वर्टर आपको दिख रहा होगा। नीचे की ओर आपको जो इंजन कॉल मिलता है वो भी फाइबर में देखने के लिए मिल जाता है। बाकी नंबर्स ऑफ गियर्स के बारे में बात करें तो 5 मिलता है, 1 डाउन 4 अप। साइड कट ऑफ सेंसर कंपनी इसमें आपको प्रोवाइड कर देती है विद डुअल स्टैंड, तो ये चीज़ें आपको अच्छी मिलती है फॉर सेफ्टी। बाकी यहाँ पर आपको दूसरा चेंज मिलेगा इसके हैंडल्स पे। आपको सिंगल जो डिस है उसमें आपको सिंगल हैंडल मिलता है, और ट्विन डिस में आपको क्लिप ऑन हैंडल्स मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है दोनों ही बाइक्स के बीच में। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर आपको एनालॉग प्लस डिजिटल में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ भी डोनेट कर देता है। और बाकी जो एनालॉग मीटर है वो आपका टैकोमीटर है। बाकी यहाँ पर आपको ABS लाइट, न्यूट्रल लाइट, डिस्टेंस टू MT, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, नंबर्स ऑफ ट्रिप्स दो मिल जाते हैं देखने के लिए। बाकी जो बैकग्राउंड लाइट है वो भी आपको ऑरेंज कलर में देखने के लिए मिलता है। बाकी M और S यहाँ पर आपको मिल जाता है। सेटिंग्स और मोड आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। बाकी यहाँ पर की देख लो, की में आपको बजाज का लोगो मिल जाएगा। ये आपका लो बीम, हाई बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ किल स्विच, सेल्फ विथ किक, दोनों ही बाइक्स में आपको किक प्रेजेंट है, तो ये एक अच्छा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऑल ओवर जो लुक्स हैं हैंडल्स के, यहाँ पर हल्के फुल्के थोड़े से डिफरेंस लग रहे हैं क्योंकि उसमें आपको क्लिपॉन्स मिल जाता है, इसमें आपको सिंगल हैंडल मिलता है। अब जब इस बाइक को हम राइड करेंगे तब जाके वो फील होगा कि दोनों बाइक के जो हैंडलिंग है वो कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। बाकी दोनों के डायमेंशंस के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दोनों ही बाइक्स का जो व्हील बेस मिलता है वो मिलता है 1352 mm का। सीट हाइट जैसे मैंने आपको कहा था 790 mm की। ग्राउंड स्पेस आपको मिल जाता है 165 mm का। गाड़ी का टोटल कर्व वेट आपको सिंगल डिस्क में मिलता है 140 kg का, और आपका जो ट्विन डिस्क उसमें आपको 141 kg का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वाले जो पल्सर 150 आते थे उससे तो बहुत ज़्यादा ही कम है। अब बात कर लेते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में कि कौन सी बाइक आप सबके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होगी ट्विन डिस्क, क्योंकि उसमें आपको कंपनी क्लिप ऑन हैंडल्स प्रोवाइड कर देती है, डुअल डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है, और उसका रियर लुक एज़ कम्पेयर टू सिंगल वाले जो मॉडल आते हैं उससे ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा स्पोर्टी देखने के लिए मिलता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ट्विन डेज होगा। बाकी आपके जैसे भी ओपिनियंस हो वो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। सो गाइस, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय एंड टेक केयर।